أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ़ से मेरे चैनल नातिकी कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है अल फातिमा तु बिदअतु मिन्नी के फ़ातिमा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मेरा टुकड़ा है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम क्या है? जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त और अज़मत क्या है? खुदा ने भी जनाब सैयदा की इज़्ज़त बताई, मुस्तफ़ा ने और जनाब अली मुर्तज़ा ने जनाब सैयदा की इज़्ज़त करके उनका एहतराम और इकराम करके दिखाया कि जनाब सैयदा किस शर्फ़ की मालिक हैं, किस मर्तबे की मालिक हैं। जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने अंबिया परवरदिगार ने ज़मीन पर भेजे और उन अंबिया कराम को परवरदिगार ने जो सहीफ़े जो किताबें अता की, हर नबी हर पैगंबर हर रसूल अलावा जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर नबी हर पैगंबर और हर रसूल जो भी सहीफ़ा आया, जो किताब आई, जो पैगाम आया परवरदिगार की जानिब से, वो हर नबी हर पैगंबर को हुक्म होता था कि जाओ ये किताब लेकर आओ, ये हुक्म आया है ये लेकर आओ, सहीफ़ा लेने के लिए जाओ, ये जो अपनी किताबें जो दूसरे अंबिया पे नाजिल हुई उन किताबों को लेने के लिए नबी जहाँ पर मौजूद होता था वहाँ से सफ़र करके जाना पड़ता था, उस मंजिल पे पहुंचना पड़ता था जहाँ पर परवरदिगार उनको हुक्म और अहकाम जो हैं तमाम के तमाम दिया करता था। हर नबी हर सहीफ़ा लेने हर किताब लेने के लिए खुद गया है और उसने जाके वो हुक्म इलाही जो है उसको हासिल किया है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शर्फ़ है कि जितनी भी आयात जितने भी सहीफ़े जितनी भी अहादीस कुदसी जो भी परवरदिगार की तरफ से आया उसके लिए जनाब सरवर कायनात को कहीं जाना नहीं पड़ा। जनाब सरवर कायनात घर पे हैं तो आयत घर में आई, जनाब सरवर कायनात सफ़र में हैं तो आयत सफ़र पे आई, जनाब सरवर कायनात मदीना में बैठे हैं तो आयत मदीना में आ गई, जनाब सरवर कायनात मक्का में हैं तो आयत मक्का में आ गई। गर्ज़ कि जनाब सरवर कायनात जहाँ जहाँ पर चलते रहे आयत और कुरान जनाब सरवर कायनात के पीछे पीछे आते रहे और जनाब सरवर कायनात को कोई सहीफ़ा लेने के लिए कोई कुरान मजीद की सूरत और आयत लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। तमाम कुरान और कुरान और सूरा और तमाम सहीफ़े जनाब सरवर कायनात को जहाँ पर मौजूद आप होते थे वहाँ पर पहुँचाए जाते थे, वहाँ पर पहुँचते थे। फ़कत एक चीज़ कायनात में ऐसी है जो जनाब सरवर कायनात लेने गए, या मैं यूँ कहूँ कि एक चीज़ नहीं दो चीज़ें कायनात में ऐसी जो जनाब सरवर कायनात लेने के लिए गए, या तो काबा से जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लेने गए थे या मेराज पे जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेने के लिए गए थे। ऐसी हस्ती का नाम है जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनके आमद की तैयारी में जनाब सरवर कायनात को अर्श पर बुलाया गया और जनाब सरवर कायनात को सौंपा गया वो नूर जो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर था। हर नबी का नूर किसी न किसी नबी के सुलभ में से होता हुआ किसी न किसी बीबी ताहिरा के पाक अरहाम में से होता हुआ गुजरता रहा और इस दुनिया में आता रहा। वाहिद नूर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ऐसा है जो जनाब सरवर कायनात से पहले किसी नबी के सुलभ में नहीं रहा। डायरेक्ट परवरदिगार ने मेराज पे बुलाकर जनाब सरवर कायनात के सुपुर्द किया ये नूर को, और यही वजह है कि जब भी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब सरवर कायनात को मिलने के लिए आया करती थी, जनाब सरवर कायनात एहतरामन खड़े हो जाया करते थे, अपनी जगह से आगे बढ़कर इस्तकबाल करते थे, जनाब सैयदा के हाथों का बोसा लेते थे, जनाब सैयदा की पेशानी का बोसा लेते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने पूछा
कि अल्लाह के नबी आप इतना इज्जत इतना एहतराम हाथ भी चूमते हैं पेशानी भी चूमते हैं ऐसा क्यों करते हैं। तो उस वक्त जनाब सरवरे कायनात ने फरमाया कि मैं सैयदा के हाथ इसलिए चूमता हूँ कि ये उम्मे अबीहा है कि ये मेरी माँ है कि इसने मेरा ऐसा ख्याल रखा कि अगर मेरी माँ होती तो बिल्कुल ऐसा ख्याल रखती जैसा मेरी बेटी फ़ातिमा ने मेरा ख्याल रखा। और मैं जब इसकी पेशानी का बोसा लेता हूँ तो मुझे उस सेब की खुशबू आती है जो परवरदिगार ने जन्नत में मुझे अता किया। सूंघा करते थे जनाब सरवरे कायनात जनाब सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, सूंघते थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, सूंघते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, फरमाते थे कि जब भी मैं इनको सूंघता हूँ मुझे जन्नत की खुशबू आती है। यहाँ पर एक तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए एक जुमला जो मासूमीन से रवायत होकर आया कि अगर कोई शख्स चाहता है ना कि अभी भी इस ज़मीन पर जन्नत की खुशबू सूंघ सके उसको चाहिए कि फजर से पहले हज़रत इमाम हुसैन की ज़री में पहुंच जाए, वहाँ पर आज भी जन्नत की हवा चक्कर लगाती है और वहाँ पर पहुँचने वालों को आज भी जन्नत की खुशबू महसूस होती है। जनाब सरवरे कायनात हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेहद एहतराम करते थे, इज़्ज़त करते थे, ना सिर्फ बढ़ के इस्तकबाल फरमाते थे बल्कि अपनी जगह पर बिठाते थे, जहाँ ख़ुद बैठे होते थे वहाँ पर जनाब सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बिठाया करते थे। जनाब सरवरे कायनात ने जब जनाब सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक्त किया जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, तो अपनी बेटी को कहकर भेजा कि बेटा किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा ना करना जो अली पूरा ना कर सके। और कमाल शर्फ है इस बीबी का, कमाल इज़्ज़त है इस बीबी की कि अली जैसा इमाम जब सैयदा घर में आई ना तो पहला जुमला ये बोला कि सैयदा मैं हर वो काम करूँगा जो आप कहा करेंगी। ये हमारी अक्लों में आने वाली नहीं, ये हमारी समझों में आने वाली नहीं कि जनाब सैयदा का मकाम क्या है, जनाब सैयदा का रुतबा क्या है, जनाब सैयदा की इज़्ज़त और अज़मत क्या है, जनाब सैयदा का मकाम क्या है। ये हमें परवरदिगार हश्र के मैदान में दिखा देगा जहाँ पर अव्वलीन और आखरीन सब जमा हुए होंगे और जनाब सैयदा फरमाएंगी वहाँ पर परवरदिगार से कि परवरदिगारा मैं चाहती ये हूँ कि लोग मेरी इज्जत को देखें कि परवरदिगार के यहाँ मेरी इज्जत और मकाम क्या है। हम सब को परवरदिगार इन अय्याम फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एहतराम के साथ अकीदत के साथ खलूस के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में फरामीन जनाब सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।